आदाब आदाब आदाब, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी सबके? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं, क्या बात है आपकी। अच्छा, आपको पता है कि हम अक्सर बात करते रहते हैं कि बहुत सी चीज़ें आपको सुबह सुबह एक पॉजिटिव एनर्जी देती हैं, और उन चीज़ों के साथ मुलाकात बहुत ज़रूरी है, चाहे वो घर के किसी गेट के किसी कोने में, खिड़की के बराबर में कोई रखा हुआ कोई गमला और उसमें खिला या अनखिला सा कोई फूल, मुरझाया हुआ सा फूल ही क्यों ना हो, कोई पौधा ही क्यों ना हो, आपके हमसाए का कोई पालतू जानवर ही क्यों ना हो जो गली में आपको मिल जाए, आपके फैमिली में से कोई एक चेहरा, कोई फुफ्फो खाला दादी अम्मा, कोई भी चीज़ आपको पॉजिटिव एनर्जी सुबह सुबह दे सकती है। तो ऐसी चीज़ से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज जिस चीज़ का मैं जिक्र करना चाहूँगा ख़ासतौर पर, जो कुछ लोगों के लिए एनर्जी का बायस बनते हैं, वो है कलर्स, रंग। और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सा रंग आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। वैसे तो रिसर्च बहुत ज़्यादा ये भी कहती है जी ये रंग जो है ये एपेटाइज करता है, ये रंग मोहब्बत का रंग है, ये खतरे का रंग है। वैसे मोहब्बत और खतरे का एक ही रंग है, शायद आगे जाके दोनों चीज़ें मिल भी जाती हैं, मोहब्बत भी और ख़तरा भी, और वो है लाल रंग। लेकिन इस बहस में आज नहीं जाएंगे। अम का रंग है सफ़ेद, गम का रंग है स्याह। इन चीज़ों से मुबर्रा ये बहुत से रंग आपको पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। आपने आइडेंटिफाई ये करना है कि वो रंग आपका कौन सा है। नीला है, पीला है, सब्ज है, जामनी है, कासनी है, कौन सा रंग है, स्याह है, सफ़ेद है, पीला है, कौन सा रंग आपको एक अच्छी फील देता है, इसका तायुन आज हमने करना है। आज पूरे दिन में आपने इधर उधर आते जाते सड़क पे, वो जो आगे चिंची जा रहा हो उसके ऊपर जो शेर लिखा हुआ है वो किस रंग में लिखा हुआ है, इतनी डिटेल में जाके आपने कलर्स को ऑब्जर्व करना है, नेचर के जो कलर्स हैं उनको ऑब्जर्व करना है, सड़क पे पड़ा हुआ कोई पत्थर है उसको गौर से देखिए, उसमें तीन चार रंग आपको जरूर मिलेंगे। वो कौन सा रंग है जो आपका रंग है, हम इसका तायुन नहीं कर पाते। आज हमने इसका तायुन करना है और फिर उस रंग से हमने एनर्जी लेनी है। सुबह सुबह उठ के कोशिश करना है कि उस रंग का कोई आपको स्वेटर, कोई चीज़, कोई पेन, कोई चीज़ आपके पास हो, उसको देखें, फील गुड करें और अच्छे से दिन का आगाज करें। तो जनाब, रंगों की पॉजिटिव एनर्जी को हमने आज से एक्सपीरियंस करना शुरू करना है। लेकिन जो एनर्जी हमें मिलती है मेरी क्लास फेलो अमल से मिलके, उसका तो जवाब ही नहीं, किसी रंग की जरूरत नहीं। और अमल आज हमें बताने जा रही हैं एक ऐसे सवाल का जवाब जो मैं तो आज तक नहीं हासिल कर सका कि भाई इतना बड़ा बहरी जहाज, जी हाँ बिल्कुल, समंदर में और ओशंस में और पानियों में जो बड़े बड़े बहरी जहाज होते हैं वो कैसे चलते जाते हैं, फ्लोट करते जाते हैं लेकिन डूबते नहीं, कितना टनों मनो टनों वजन होता है लेकिन जहाज पानी में डूबता नहीं, ये कैसे पॉसिबल है, ये हमें आज बताएंगी अमल। आपने रहना मेरे साथ और उसके अलावा फैसल मूवी वाला आज हमारे साथ होंगे और फैसल मूवी वाला कुछ पाकिस्तानी फिल्म, कुछ हॉलीवुड की फिल्म के हवाले से हमें कुछ टिप्स देंगे। आगे वीकेंड आ रहा है, हमने कौन सी फिल्म देखनी है और आज की फिल्म भी बड़ी ज़बरदस्त है जो वो चुन के लाएँ। एंड ऑफ कोर्स आज हम अपने मेन सेशन में गुफ्तगू के बात करेंगे कुछ कल्चर के हवाले से। ये कल्चर होती क्या बला है भाई, कितना आम इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है ना, हमारे कल्चर में ये है, हमारे कल्चर में ये नहीं है, हमारा कल्चर जो है वो अगवा हो गया है, और इस तरह की सारी चीज़ों को हम आम अल्फाज में इस्तेमाल करते चले जाते हैं लेकिन कई दफ़ा उनके मतालब ढूंढने में हमें बहुत दुश्वारी होती है। मिसाल के तौर पे मैं जब सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ कि कल्चर को अगर एक जुमले में डिफाइन करना हो मुझे मुमकिन नहीं लगता। लेकिन आज जो हमारी मेहमान हैं डॉक्टर फौजिया सईद, डॉक्टर फौजिया सईद जो है वो एक कल्चर की एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट तो हैं ही हैं, और आज उनसे उनके प्यारे प्यारे हंसते मुस्कुराते बातों के अंदाज से हम बहुत सी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। तो जनाब ये है सब हमारे पास आपके लिए, लेकिन चल के ही देखना है कि ट्रेनर काशिफ, ट्रेनर तहमीना के पास क्या है आज हमारे लिए। बचपन में इससे सिर्फ गुलेल खेला करते थे या बताना नहीं किसी को, वो क्लास के अंदर ना जब सर उधर ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करते थे तो फिर एक दूसरे को रबर बैंड से तो मुझे नहीं पता था कि वो आगे चल के लोगों के करियर कैसे। नहीं, हम तो सेट की खूबसूरती के लिए यहाँ रखने के लिए लाया, हम बॉडी वर्कआउट करें हमने प्लान चेंज कर लिया। अच्छे नहीं हो तुम दोनों तो
आज के वर्कआउट का आगाज करने से पहले मैं एक खूबसूरत बात कहना चाहता हूँ कि वो मेरे दिल के बहुत करीब है। अच्छा, ये आपको पहले से कैसे पता कि वो खूबसूरत है? क्योंकि मेरे दिल के करीब और मुझे बहुत पसंद है। खूबसूरत लगती है, मुझे पसंद है कि ऐसे कहीं ना सुन ले ना, ये उस तरह का लड़का है, माँ को जाके कहता है माँ माँ मैंने तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत बहू ढूंढी है। माँ कहती है मैनू तू कुड़ी वखा, मैं दसांगी कि खूबसूरत है कि नहीं। इन्हीं बातों में मैं बात ही ना भूल जाऊँ। मजे की बात ये है। अच्छा, बात ये है कि सेहतमंद जिस्म जो है अतिया खुदावंदी है और इसकी कदर और हिफाजत करना बाई से अजर है। तो इसी अच्छे नोट से हम आज की एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। और इन्होंने जो बात की इसको आसान उर्दू में जरा बयान फरमाए। मैं सीरियसली मतलब इतनी मुश्किल उर्दू है, लेकिन वो आपसे वो सीखी जा रहे हैं कि आप अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। I'm trying, लेकिन मैं रिस्क लेती नहीं हूँ, मैं एक्सरसाइज शुरू करते हैं। वार्म अप करना मत भूलिएगा, 5 से 10 मिनट वार्म अप करना बहुत जरूरी है ताकि आपके सारे मसले अच्छे तरीके से एक्टिव हो जाएं और फिर आप वर्जिश का आगाज कीजिए। सबसे पहले हमारी वर्जिश की जो हरकत है वो स्टैंडिंग में लैट पुल डाउन है, सिंगल आर्म। अच्छा काशिप, बता भी दें ठीक है कि आज हम किस बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि हमारे देखने वाले नाज़रीन को पता चल सके। हम हमारे तीन मेजर जिस्म के पट्टे हैं, कमर, कमर का ऊपर वाला हिस्सा, निचला हिस्सा, उसके साथ हम अपने चेस्ट के मसल को ट्रेन कर रहे हैं और अपनी नीचे वाले मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं, यानी कि लेग्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो तीन मसल्स, तीन पट्टे हम एक्सरसाइज में हम शामिल करेंगे आज के, हमारा जो बुके आप अक्सर कहते होते हैं। तो पहली एक्सरसाइज है हमारी, स्ट्रेच किया आपने रेजिस्टेंस बैंड को जी। और आपकी जो स्टैंस है, आपने खड़े होने हैं, आपकी शोल्डर विड्थ भी हो सकता है और थोड़ा सा वाइड भी हो सकता है। शुरू करते हैं, आपने नीचे आना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है लैट्स के मसल को। बेसिकली ये आपके लैट्स हैं, बैक का मसल है जो वी शेप बनाता है। तो आपने टेंशन रखनी है और कॉन्ट्रैक्शन करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट। एक साइड पे ये भी बता दें कि हम वन आर्म करें, और दूसरा आपने देखा होगा कि हमने हाथों को यूं थोड़ा बेंड किया, ये इसको हाथों के साथ दोबारा वो किया है कि रेजिस्टेंस के लिए कि जरा थोड़ा सा इंटेंस हो जाए। अगर आप बिगिनर हैं तो वो फिर आप अपनी मर्जी के हिसाब से जैसे आप फील करेंगे तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, यानी जितना उसको छोटा कर लेंगे उतना टेंशन बढ़ती है। या फिर जैसे हमारे पास काफी सारे हैं तो ये फिक्स हो जाते हैं, इनके साथ ये क्लिप्स लगे होते हैं, हैंडल जरूरत नहीं है आपको हैंडल यूज करें ना करें। जिन्होंने ये रेजिस्टेंस बैंड्स का इस्तेमाल आज पहली बार देखा है, वैसे तो अक्सर ट्रेनर काशिप, ट्रेनर तहमीना इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। आपको हम बताते चलें कि ये आसानी से बाजार में मौजूद है, जरूरी नहीं कि सिर्फ बड़े शहरों में ही, अब तो छोटे शहरों में भी वो दुकानें जो स्पोर्ट्स की अशिया जो हैं उनकी फरोख्त करती हैं या जिम और एक्सरसाइज से रिलेटेड चीजें फरोख्त करती हैं, वहां पे रेजिस्टेंस बैंड ले लें, इलास्टिक बैंड भी जो मिल जाते हैं आपको तो वो भी इजीली अवेलेबल है स्पोर्ट्स वाली जो शॉप है। अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, तमीना प्लीज आप इधर आ जाइए जी। अगली वर्जिश की जो हमारी हरकत है इसका नाम है गुड मॉर्निंग, और इसमें हमारी कमर का निचला हिस्सा ट्रेन हो रहा है, हमारे टांगों के मसल्स इन्वॉल्व होंगे इसमें। आपने करना क्या है कि यूं पकड़ना है और टेंशन रखनी है आपने, इसको लूज नहीं रखना, और आपने पूरा नीचे जाना है, अपनी मेरी कमर का आर्च देखेगा आप जी, मेरी कमर का आर्च देखें, उस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। और किस तरह मैं टेंशन के साथ लोअर बैक पे बेसिकली वर्क है, गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज जो कहते हैं, जैसे यूजली कुछ बाहर के लोग हैं गुड मॉर्निंग ऐसे करते हैं, तो चूंकि लोअर बैक का वर्कआउट है, आपके हैमस्ट्रिंग और आपके ग्लूट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, वो टेंशन जो है उन्होंने बढ़ाई हुई है। अगर हाथ यूं करके भी करेंगे तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी काशिफ ने इसको बिल्कुल क्लोज की हुई है अपनी बाजू ताकि थोड़ा सा इंटेंसिटी भी रहे। मैं देख रहा हूँ कि आपके सांस भी चढ़ रही थी, इसका मतलब है कि इसमें काफी एनर्जी लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप रेजिस्टेंस बढ़ा भी, जाहिर लगता है कि बिल्कुल है बस एक बैंड सा है, लेकिन बहुत दुश्वार गुजार वर्कआउट है ये। तमीना इधर आइए, अगली एक्सरसाइज है, तमीना इसमें मेरी मदद करेंगी। तमीना आपने मुझे लगता है एक्सरसाइज की बजाय आज उर्दू की क्लास ले लें आप, यहां से इसको हाई एंगल पे, मैं मरना नहीं चाहती, नहीं इसको पकड़िए और हायर एंगल पे रखिए। और अगली जो हमारी वर्जिश की हरकत है, अच्छा ये आप घर पे किसी भी पोल पे किसी भी जैसे ग्रिल होती है घर में या जिम के अंदर है तो कोई भी ऐसी वॉल है उस पे आप हैंग करके या किसी से हेल्प ले लें, जैसे मैं तमीना से हेल्प ले रहा हूँ, तो आपने लैट्स के मसल को एंगेज रखना है। तमीना टेंशन रखिएगा, बैक स्ट्रेट जी, चेस्ट अप, सामने देखना है और कॉन्ट्रैक्शन करना है, पूरा ऊपर जाइए पूरा नीचे आइए, बैक स्ट्रेट। अच्छा जिम के अंदर जो है ना ये यूजुअली होती है केबल के साथ, केबल होती है या बारबेल होता है, रॉड होता है एक वाइड वाला जी। तमीना एक्सप्लेन करिएगा, मैं थोड़े से रेप्स करता हूं जी। अभी जैसे ये कर रहे हैं ठीक है, तो फ्रंट पे है लैट का जैसे बताया, बैक का आपका वर्कआउट है,
अभी इंटेंसिटी आपको मैंने बताया आप कहीं पे भी इसको अटैच कर सकते हैं, सॉरी काशिफ, तो आप इसको जितना इंटेंस करना चाहें अगर आप ऐड भी करेंगे और वेट, अदरवाइज इटसेल्फ बहुत। और घर में भी आप पार्टनर बन सकते हैं, बन सकते हैं, नंद भाभी, दो बहनें, बहन भाई, भाई दो भाई, मतलब जरूरी है कि आपको अगर शौक है कोशिश करें घर के दूसरे अफराद को भी शौक पैदा हो, आप उनको यूज करेंगे तो हो सकता है वो भी आपको ज्वाइन कर लें, और जब आप टीम बनते हैं ना फिर एक्सरसाइज करने का बहुत मजा, बिल्कुल, बिल्कुल वो मोटिवेशन आपको मिलेगी, और चूंकि ये पूरी बॉडी की आपको एक्सरसाइज मिलती है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है घर पे या आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं कि जहाँ पे आपके लिए यू नो जिम जाना या कुछ करना नहीं है इजी, तो ये तो आप कहीं से भी लेके तो घर पे इट्स अ फुल बॉडी वर्कआउट। इससे मुराद अगर ये नहीं है तो इलास्टिक बैंड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली हमारी वर्जिश की हरकत है, पिछले पांव में आपने इलास्टिक को या रेजिस्टेंस बैंड को फंसाया, फ्रंट फुट लिया आपने, बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप, और ये लोअर एंगल से हम ऊपर आ रहे हैं, तो अपने चेस्ट को मसल को ट्रेन कर रहे हैं, स्क्वीज कॉन्ट्रैक्शन इज द की, जैसा कि मैंने हमेशा बताया है आपको, जी, बिल्कुल। थोड़ा सा मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, तभी ना आप थोड़ा सा बताइएगा एक्सरसाइज के बारे में और फॉर्म के बारे में। जी जी, मैं हरकत बताता हूं। इट्स वेरी इंटेंस एक्सरसाइज जो काशिफ कर रहे हैं, अभी देखें कि जैसे पाओं पे अगर आपका पाओ ग्रिप में नहीं है तो सीख, तो तब भी ये होता है कि आप ये निकल जाएगा बीच में से, तो पिछला पाँव भी फिक्स किया हुआ है, लंज पोजीशन में है अगला पाँव भी, और चूंकि आप रेजिस्टेंस देख सकते हैं कि जब काशिफ ऊपर हैंड्स लेके आ रहे हैं तो कितनी रेजिस्टेंस है इसमें, तो अपार्ट फ्रॉम के वो वेट ट्रेनिंग आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 4 लेग एक्सटेंशन, अगर आप इधर आ जाएं तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है हमारे देखने वालों को, एक्सप्लेन करने के भी आसानी हो जाएगी आपको। जी जी, इसमें आपने एक टांग पे रेजिस्टेंस बैंड को फंसाया, एक टांग को 6 इंच जमीन से तकरीबन उठा के अपने हाथों की प्लेसमेंट को यूं रखा जी, और लेग एक्सटेंशन करना है आपने जी, फुल एक्सटेंड करना है, एक साइड पे रेप्स लगाने हैं, वर्कआउट खत्म होने के बाद यानी हमारी वर्जिश खत्म होने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, राइट लेग जो इस वक्त काशिफ की अगर आप देख रहे हैं, राइट लेग तो पता लग रहा है कि एक्सरसाइज कर रही है, वो लेफ्ट लेग जो है ना वो ऐसे लग रहा है जैसे मास्टर साहब ने सजा दी हुई है, कोने में मुंह करके खड़े हैं। इट्स एक्चुअली रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मिल रही है आपको, जितनी टेंशन आपके मसल्स रिक्रूट हो रहे हैं एक्चुअली, तो सीख भाई अच्छा, मसल्स रिक्रूट होने से ज्यादा आपका वर्कआउट इंटेंस हो जाता है जी। अब अगली एक्सरसाइज है हमारी, दोनों टांगे हवा में तकरीबन 6 इंच हवा जमीन से ऊपर, हाथ ऐसे, और हम घर में अगर कोई मर्द या खवातीन है तो अगर आप जब ये करेंगे यू विल फील इट, कि एक सिंपल एक्सरसाइज जिसमें यू डूइंग नथिंग लेकिन आपकी लेग्स आपने सिर्फ रिजिस्ट की हुई है मे बी 30 एंगल और समथिंग, तो इट्स वर्किंग योर कोर एंड ऑफ कोर्स जो बैक कर रहे थे। और इसकी जो ड्रिल है, तरीकाकार है, वो इस तरह से है, जितने भी अफराद हमारे देखने वाले हैं जिन लोगों ने वजन कम करना है वो 1 मिनट तक इस हर वर्जिश की हरकत को करेंगे, और पूरा चक्कर सारी एक्सरसाइज का 5 से 6 एक्सरसाइजेज मैंने बताई हैं, उसके बाद 30 सेकंड का रेस्ट लेंगे, 5 से 6 चक्कर मुकम्मल करेंगे और आपका वर्कआउट ख़त्म होगा। और जो लोग वज़न बढ़ाना चाहते हैं वो 30 सेकंड तक इस वर्जिश की हर हरकत को करेंगे, और हर हरकत के बाद 1 मिनट तक रेस्ट लेंगे, और पानी पीना मत भूलिएगा। पानी की सिपिंग साथ साथ बहुत ज़रूरी है, सर्दियों का मौसम है, ऐसा ना हो कि आप ये समझें कि पानी क्योंकि पसीने की सूरत में निकल कम रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बॉडी को पानी की जरूरत होती है। कोई प्रीकॉशंस भी अगर बता दें देखने वालों को कि कोई इन एक्सरसाइजेस में कोई प्रीकॉशंस हैं? इनमें बेसिकली कोई जल्दी नहीं करनी है आपने, हम हमेशा से कहते हैं कि वर्जिश का मतलब ये नहीं है कि कोई कसरत करनी है या कैलोरीज बर्न करनी है, आप अपने आप को वर्जिश करते हैं मजबूत करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, ना कि इंजर्ड करने के लिए, तो एहतियात से करनी है जितने भी करें, आपसे लाजमी नहीं है कि काशिफ ने कह दिया 6 चक्कर मुकम्मल करने हैं 30 सेकंड के अंदर हर एक्सरसाइज को करना है, ऐसा नहीं है, आपको लगे आप नहीं कर पा रहे हैं वहीं छोड़ दें, मतलब यानी थोड़ा ये देखना है कि रेजिस्टेंस बैंड एक तो कहीं पे जहां पे भी फिक्स कर रहे हैं किसी को पकड़ाया वो बंदा ट्रस्टवर्दी हो गया जगह, ये ना हो कि ये मुंह पे जब लगेगा बहुत जोर का। हाँ, तो इसका मतलब है जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि किसी भी घर में किसी भी रिश्ते को, तो ये देखें ये ना कि पिछली शाम उसकी लड़ाई हुई हो और वो बदला लेने का वक्त आ गया हो, है ना, तो उस चीज का भी ध्यान रखना है कि वो बहुत जोर का लगेगा। हाँ, भाभियां जो है वो नंदों को पकड़ाने से पहले जरा 1 मिनट के लिए सोच ले।
नहीं बिल्कुल जी, और एक और चीज ये कि रेजिस्टेंस बैंड की क्वालिटी भी कोई फर्क होती है कि अच्छा होता है या खराब होता है, या हर तरह का रेजिस्टेंस बैंड ठीक होता है? नहीं, मार्केट में अवेलेबल हैं, आप चेक करके लें। समटाइम्स ऐसा होता है कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम हो जाए तो हो जाए, वरना आप चेक करके तसल्ली करके लें। ग्रेट ट्रेनर काशिफ, ट्रेनर तहमीना, थैंक यू वेरी मच। बहुत मजे का आज वर्कआउट था, और जब भी रेजिस्टेंस बैंड यूज होते हैं बहुत अच्छा इसलिए लगता है कि वो बाहर बहुत आसान सी हरकत होती है, लेकिन उसमें आपकी कैलोरीज बहुत ज्यादा बर्न हो रही होती है और फन वर्कआउट होता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। हम चल के लेंगे जनाब एक छोटा सा मशहूर यहाँ ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि बहरी जहाज कैसे नहीं डूबता और इतना टनों का वजन लेकर वो जनाब घूमता फिरता है पूरी दुनिया में, और ये हमें बताएंगी मेरी क्लास फेलो अमल। मेरे साथ रहिए। आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले जब ब्रेकफास्ट एट होम का आगाज हुआ और हमने ये बच्चों का सेगमेंट डिज़ाइन किया और ये सोचा कि बच्चे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे तैयारी करके आएंगे और हमें सिखाया करेंगे और हमें बताया करेंगे, तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। बज़ाहिर ये बच्चों का सेगमेंट है जिसमें बच्चे आते हैं और हमारी टारगेट ऑडियंस बच्चे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ साथियों पता चला, और हमें आपके फीडबैक से पता चलता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े दफ्तर के लिए निकलने से पहले जिस तरह से सेगमेंट का इंतजार कर रहे होते हैं, इसलिए कि उनको अपना पहली बात है बचपन याद आता है, खासतौर पे अच्छी खाला का सेगमेंट देख के। लेकिन जो असल चीज़ वो एंजॉय करते हैं वो ये कि बहुत सी बातें जो हम बचपन में नहीं सीख पाए वो इन बच्चों से सीख पाते हैं। बहुत से ऐसे पॉइंट्स जो बज़ाहिर बहुत आसान से लगते हैं लेकिन उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर हमें अमल बताएंगे कि आज क्या टॉपिक है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है अमल? ठीक हूँ। आपको पता है आपका सेगमेंट सुपर हिट जा रहा है और सब पूछते हैं कि अमल कैसे तैयारी करती है, ये तो हंसती रहती है और इसके आने कितनी प्यारी प्यारी है, ऐसे स्टाइल भी कोई चीज होती है। अच्छा जी, तो आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है अपने सेगमेंट का? लोग पसंद कर रहे हैं? क्या क्या फीडबैक मिलता है, क्या कहते हैं लोग जब कि अच्छा है, क्या है, कैसे है? जी अच्छा बोलते हैं। अच्छा बोलते हैं तो आपको खुशी होती है? जी, मेरे कजिन्स भी और क्लास फेलोज, फैमिली, फ्रेंड्स, है ना? गुड। आज क्या टॉपिक है? आज मेरा टॉपिक है एक साइंटिस्ट का, एक ग्रीक साइंटिस्ट, उसकी स्टोरी और उसके आइडिया। चलें बताएं जी, क्या नाम था उसका और क्या आइडिया था उसका और क्या स्टोरी थी उसकी? अच्छा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी स्टोरी से। ठीक है। तो एक ग्रीक साइंटिस्ट था, उसका नाम था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज एक ग्रीक साइंटिस्ट था, ठीक है जी? अच्छा, और एक किंग भी था। ठीक है। तो किंग ने गोल्ड कॉइंस देकर एक क्राउन बनवाया। ठीक है। ठीक है, तो जैसे ही उसने क्राउन बनवाया उसे लगा कि इसके अंदर कुछ और मिला हुआ है, ये प्योर गोल्ड का नहीं है। अच्छा, उसने प्योर गोल्ड के गोल्ड दिया किसी को क्राउन बनाने के लिए। जब क्राउन बन के आया, गोल्ड कॉइंस दिए, तो गोल्ड कॉइंस से जब क्राउन बन के आया तो उसको शक पड़ा कि इसमें कुछ मिलावट हो गई है ना, ऐसी बात है। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर he was not a scientist कि वो फिगर आउट कर सकता था, तो उसने आर्किमिडीज को बुलाया। फिर आर्किमिडीज ने क्या किया? किंग ने पूछा उससे कि ये बताइए प्योर गोल्ड का ही है कि नहीं, और ये कंडीशन है कि एक दिन में भी करना है और ये क्राउन तोड़ना नहीं है। एक दिन में सवाल का जवाब ढूंढ के लाना है और क्राउन तोड़ना नहीं है। ओह माय गॉश, ओके। तो आर्किमिडीज बात ले रहा था, नहा रहा था एक दिन, तो जैसे ही वो टब में बैठा तो उसने देखा कि पानी गिर रहा है जैसे ही वो बैठा। ठीक है। तो उसने दोबारा नोटिस किया कि पानी गिर रहा है। उसने जब कैलकुलेट किया उसे पता चला कि मेरे वेट के मुताबिक ये पानी गिर रहा है। जितना वेट अंदर जा रहा है उतना पानी बाहर आ रहा है। ठीक है। तो फिर वो यूरिका कहता हुआ किंग के पास भागा। यूरिका का मतलब आई गॉट इट, आई फाउंड इट। अच्छा। तो जैसे ही वो गया उसने दो टब्स मंगवाए जिसके अंदर उसने पानी डाल दिया। ठीक है। जिनके अंदर, और फिर एक में प्योर गोल्ड डाला, एक में क्राउन डाला। क्राउन में से कम पानी गिरा, प्योर गोल्ड में से ज्यादा। इसका मतलब था क्राउन में से
क्राउन में सिल्वर मिला हुआ था। वेरी इंटेलिजेंट। तो फिर किंग ने उन्हें पनिशमेंट दे दी जिन्होंने चीटिंग की थी। ओए, और ये एक साइंस का एक लॉ भी हमें पता लग गया ऐसी बहाने, है ना? अच्छा, do you know कि ये ships, ये सब तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आते हैं। ठीक है। लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बहुत सारी चीजें और भी आती हैं, जैसे do you know कि ये ships पानी में कैसे फ्लोट करती हैं? जैसे अगर मैं ये कॉइन डालूं पानी में, ओ ठहरो ठहरो जी, तो ये तो डाल ही दिया एकदम से। अच्छा, तो हमने तुमने क्लोजर भी नहीं बनाने दिया। अच्छा जी, ये जो है कॉइन, ये अब इसमें हम डालेंगे दोबारा से, ठीक है जी? अब आप इसका क्लोजर बनाएं। ये कॉइन है और ये गया और वो नीचे जाके बैठ गया। तो अब क्या हमें पता चला? ओ, अब हम ले आए कॉइन से कहीं बड़ा एक शिप। वाह जी वाह, ये अमल के घर की फैक्ट्री में से तैयार हुआ। ये आ गया है जी शिप, जिन ये उड़ता नहीं है, ये पानी में चलता है। इसको हमने जब रखा तो अच्छा, तो ये शिप कॉइन तो सिंक कर रहा था छोटा सा, तो इतनी बड़ी जाइगेंटिक शिप कैसे फ्लोट? ये एक सवाल है ना, ये आज आपने इसका हमें जवाब बता के जाना है, मुझे नहीं समझ आ रही कि कैसे पास। अच्छा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने हमें ये भी बताया है कि वाटर में एक ऐसी फोर्स है जिसका नाम है बायोन्सी। बायोन्सी, ठीक है। जो जो भी चीज पानी में जाती है उसको वो फोर्स करता है। तो इस वजह से शिप्स की जो सरफेस होती है इस वजह से बड़ी बनाई होती है, ताकि जितना भी पानी नीचे वो उसे ऊपर करके फोर्स करे। अच्छा, और ये पानी की क्वालिटी होती है, और उसका नाम क्या था, कौन सी फोर्स थी? बायोन्सी। बायोन्सी एक फोर्स होती है कि जितनी चीज आप पानी के ऊपर डालेंगे वो उसी फोर्स से उसको वापस भी पुल करेगा। तो इसलिए शिप का साइज जितना बड़ा होता है वो उतनी फोर्स से उसको ऊपर रखे रखता है, और कॉइन का क्योंकि साइज बड़ा नहीं होता तो अंदर चला जाता है। तो इसका मतलब है कि मैं और अमल अगर समंदर में छलांग लगाए तो अमल तो अंदर चली जाएगी और मैं फ्लोट करता रहूं। है ना, इतना मोटा सा शिप फ्लोट करता रहेगा, है ना? ऐसे ही होगा ना। लेकिन अमल को तो स्विमिंग आती है। आपको आती है स्विमिंग? आती है? मैंने कभी रियल स्विमिंग पूल में ट्राई तो नहीं की, लेकिन मैं ट्यूब्स पे करती थी। ऑलराइट। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द शिप्स एंड द द द लॉ ऑफ फ्लोटिंग, तो और क्या बताएंगे आप हमें जनाब, और क्या पॉइंट है? अच्छा, तो थिंक एंड इन्वेंट, थर्ड पॉइंट है थिंक एंड इन्वेंट। ओके। कि जैसे आर्किमिडीज में ने टब में बैठ के सोचा ना, और उसने एक लॉ डिस्कवर किया, तो वैसे ही व्हेन वी आर डूइंग एनीथिंग वी शुड इवन, हम लोगों को भी सोचना चाहिए, वी कैन इन्वेंट थिंग्स। अगर हम सोचना शुरू कर दें इस कायनात के बारे में, नेचर के बारे में, हमारे इर्द गिर्द होने वाली चीजों के बारे में, तो हम भी इन्वेंट कर सकते हैं, हम भी नई नई चीजें साथियों ईजाद कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि बिजली, इंटरनेट और पानी और कशिश शक्ल और न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी और चीजें ईजाद हो गई हैं, तो अब कुछ और ईजाद नहीं हो सकता। और हैव यू एवर नोटिस्ड कि जब आप हाथ अपना पानी में डालते हैं तो बायोन्सी उसे ऊपर फोर्स करती है? अच्छा, मैंने कभी नोटिस तो नहीं किया, क्योंकि जैसे अगर बॉल को भी डाले, अभी इसको मैं डालूं, हाथ को डालूं ऐसे अंदर, ओह यस यस यू आर राइट अमल, मुझे ऐसे लग रहा है नीचे से कोई मुझे धक्का दे रहा है हाथ पे, ये मैं अंदर डालने की कोशिश करता हूं वो ऊपर आता है, मैं डालने की कोशिश करता हूं वो ऊपर आता है। ऐसे ही बॉल के साथ भी होता है। ऐसे ही बॉल के साथ भी होता है। यस, लो जी, अमल ने मजे का हमें एक नई चीज बताई, और आपने इसको ट्राई करना है कि आप अपने हाथ को जो पानी के अंदर फोर्स करने की कोशिश करें तो ऐसे लगता है नीचे से कोई फोर्स है जो उसको ऊपर धक्का दे रही है। और ये आपको पता है कि शिप को क्या नीचे फोर्स करता है? क्या? शिप कैसे? ग्रेविटी। ग्रेविटी। ग्रेविटी शिप को पानी में डाल रही होती है, पानी उसे ऊपर। ग्रेविटी शिप को पानी में डालती है,
वरना एक और काम भी हो सकता है कि सिर्फ अगर नीचे से फोर्स हो तो शिप जनाब ऐसे उछल उछल के घूमना फिरना शुरू कर दे, ऐसे फुदकना शुरू कर दे गुलहरी की तरह, है ना, वो भी नहीं होता, इसलिए कि लॉ ऑफ ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही होती है और फोर्स ऑफ वो क्या थी बायोंसी, फोर्स ऑफ बायोंसी उसको ऊपर कर रही होती है, और ये सब चीजें दोनों चीजें जब मिलती है तो शिप बड़े मजे से उसमें फ्लोट कर रहा होता है पानी में, वेरी नाइस। और आपको पता है बड़े बड़े सीज और ओशंस अमल वो बाहर लगता है बड़ा जनाब तूफान आया हुआ है और ऐसे ऐसे शिप हिल रहा है और, लेकिन जब आप शिप के अंदर बैठते हैं तो बहुत काम और क्वाइट मोमेंट्स भी आते हैं, आपको कई बार लगता ही नहीं कि आप शिप में तो बैठे हैं। जैसे ही शिप्स पानी में जाती हैं तो पानी एक्चुअली रिवर ऐसे नहीं है कि रिवर से ही निकल के लैंड पे गिरना शुरू हो जाए, वो रिवर में ही रहता है लेकिन इधर उधर हो जाता है शिप से। Exactly. वो सी में ही रहता है लेकिन शिप से हट जाता है, वो अपनी शिप को पूरी रिस्पेक्ट दे रहा होता है। वेरी नाइस अमल, फिर मेरा ख्याल है किसी दिन हमें शिप की सैर को जाना है, मैंने और अमल ने, है ना। वैसे मैंने एक दफा ना शिप की सैर की हुई है, बड़ा मजा आया था ओशन में। यूरोप के अंदर बहुत सख्त तूफान में मैं एक शिप में ना डेनमार्क से वेस्टर्न यूरोप की तरफ आया था, बड़ा मजा आया था और मैंने अमल को लेके जाना, ठीक है। ग्रेट अमल, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, गुड लक टू यू। और जनाब हम चल के लेंगे एक छोटा सा मशहूर है ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम देखेंगे कि आने वाले वीकेंड के लिए फैसल मूवी वाला हमें कौन सी फिल्म को रेकमेंड करने के लिए अपना सेगमेंट सजा के लाए हैं। सो वेट फॉर फैसल मूवी वाला, अभी मिलते हैं। Welcome back. हम जब भी ये segment शुरू करने लगते हैं, जो भी हमारा segment host होता है, उससे हम segment की बात करने के बजाय सबसे पहले बात कर रहे होते हैं जो बच्चा गया। क्या? अमल is brilliant. Good morning. फैसल. कैसे हैं आप तो सीख भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमल इतनी मजेदार गुफ्तगू करती है और उसका जो आपको acknowledge करने का तरीका है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। कि जब आप उससे पूछते हैं, अच्छा तो फिर उसके बाद हमने ये करना है, अच्छा तो फिर हमने ये नहीं करना, उसके बाद हमने ये करना, इतनी तहम्मुल मिजाजी के साथ, और बड़ा मजेदार आपका सेगमेंट है बच्चों वाले, मैं तो फैन हूं आपके बच्चों वाले सेगमेंट। थैंक यू सो मच। अच्छा आज के सेगमेंट में हमारे लिए क्या है जी, कौन-कौन है और क्या-क्या है और क्या मसाला है? तो सीख भाई आज के सेगमेंट में हमारे पास एक तो हॉलीवुड की एक फिल्म है जो कि टॉप 50 मूवीज में आती है और इसके बारे में भी कहा जाता है कि मरने से पहले एक दफा ये फिल्म जरूर देखनी, जरूर देखनी है, टेक आउट टाइम है। एग्जैक्टली। और उसके अलावा हमारे पास एक पाकिस्तानी पर्सनालिटी है जिसके बारे में हम बात करेंगे और उनकी कुछ पुरानी मूवीज़ के बारे में बात करेंगे, उनकी अभी भी रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई है उस पर भी बात करेंगे। Let me guess. अच्छा अभी रिसेंटली एक उनकी मूवी रिलीज हुई है 2018 में, 2018 में उनकी मूवी रिलीज हुई है, पाकिस्तानी एक्टर, मेल फिल्म। हाँ, मेल फिल्म। ये तो बहुत सारों की रिलीज हुई, हमजा अली अब्बासी नहीं, पुराने हैं। अच्छा पुराने, ओके ये तो मुश्किल, 60s से इनका करियर शुरू हुआ है। 60s, ये तो फिर एक दो ही हो सके, नदीम साहब। अरे क्या बात है, तो सिर्फ आपको कैसे पता चल जाता है हमेशा? नहीं पता तो नहीं चलता, कुछ 6 दफा तुक्के लगाए तो फिर जाके, लेकिन जब तुमने कहा ना 60s तो इतने पुराने फिल्म के एक्टर अब कम रह गए जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो आई थिंक इट वाज इजी गेस। जी नदीम साहब के बारे में आज नदीम साहब के बारे में बात करेंगे, और उसके अलावा कल एक पाकिस्तानी फिल्म रिलीज हो रही है जिसके बारे में हम सेगमेंट कर चुके हैं बाकायदा तौर पे, और उनको हम गुड लक विश करेंगे। बिल्कुल, तो पहले गुड लक विश करें या पहले नदीम साहब एंड पे कर, ठीक है? पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारी जो आज की हॉलीवुड फिल्म है वो है एक डॉट कॉमेडी, और ये जो फिल्म है टॉप 50s में आती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, और इनके डायरेक्टर जिनका नाम है क्वेंटिन टारांटिनो। क्वेंटिन टारांटिनो उसी तरह मशहूर जमाना है जिस तरह स्टीवन स्पीलबर्ग है, जिस तरह क्रिस्टोफर नॉलन है। इनका खासा क्या है, किस तरह की फिल्में बनाते हैं? इनका खासा ये है कि आप इनकी फिल्म एक फिल्म देखें और दूसरी फिल्म आप गेस कर सकते हैं कि क्वेंटिन टारांटिनो की फिल्म है। उसकी खास बात यह है, पहले मैं कहता हूँ ट्रेलर देख लेते हैं। चलें जी, चल के ट्रेलर देखते हैं। फिल्म का नाम है, फिल्म का नाम है पल्प फिक्शन। पल्प फिक्शन। I'm so interested in big man's wife.
Well, he's going out of town, Florida, and he asked me if I take care of the while he's gone. Take care? No, man. Just make sure it's a good time, make sure she don't get lonely. Girl. You see, this is a moral test of oneself. Dallas, my husband, your boss, told you. I love you so much, can't count on whether or not you can maintain loyalty. Night of the fight, you may feel a slight sting. Pride only hurts, it never helps. In the fifth, your ass goes down. I have to say, play with matches, you get burned. We should have shot guys with this kind of deal. Where in the room? I'm prepared to scour the earth for that night. Oh, I'm sorry, did I break your concentration? Get down, get down. You got a corpse in a car, minus a head in the garage. Take me to it. Don't you hate that? Hate what? Uncomfortable silences. Die, you mother! A new film, directed by Quentin Tarantino. Pulp Fiction. अच्छा जी अब बताएं इस फिल्म के बारे में और क्या था नाम था डायरेक्टर का? Quentin Tarantino. Quentin Tarantino. Quentin Tarantino. ठीक है. अच्छा इस फिल्म Pulp Fiction में जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा दो बहुत ही मंजे हुए और बड़े मज़ेदार एक्टर एक जिनमें जॉन ट्रैवोल्टा थे और सैमुअल एल जैक्सन जो आज भी काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं. अच्छा इस फिल्म की तो सीख भाई खास बात है 1994 में ये फिल्म रिलीज हुई थी. ठीक है. और इस फिल्म ने कोई 7 नॉमिनेशन थी ऑस्कर की. अच्छा 7 नॉमिनेशंस और उसमें से एक ऑस्कर जीता. लेकिन फिल्म आज भी उतने ही पसंद की जाती है जितनी 94 में. और तकरीबन 25 साल पुरानी फिल्म है. और इसकी जो खास बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सवाल किया था ट्रेलर से पहले कि क्वेंटिन टेरेंटिनो की खास बातें क्या है. क्वेंटिन टेरेंटिनो की खास बातें ये है कि ये इनकी जो फिल्म में वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है और एक्शन बहुत ज़्यादा होता है और एक खास पूरी ऑडियंस है जो कि इनको फॉलो करती है इनके वायलेंस के लिए. हालांकि वायलेंस को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते. अच्छा शायद यही वजह है कि अमूमन फैसल जो भी फिल्म लेके आते हैं और ये कहते हैं मैं ये वाली फिल्म तो वो पहले मैंने देखी होती है और ये वाली मैंने इसलिए नहीं देखी हुई. इसके वजह ये कि मैं वायलेंस की मूवीज़ नहीं देखते. अच्छा ये अपने इस खास काम के लिए ना बहुत मशहूर है. मैं आपको बताता हूँ इनके एक और दो चीज़ें बड़ी मशहूर हैं. एक तो इनके जो डायलॉग्स और सीन्स ये लिखते खुद हैं फिल्म. ठीक है. अच्छा. किसी से लिखवाते नहीं है, स्क्रीन प्ले खुद लिखते हैं और जो इनको ऑस्कर भी मिला वो भी स्क्रीन प्ले पर मिला है इस फिल्म में. ओके ओके. और जी इनके जो सीन्स होते हैं ना सर वो लंबे सीन होते हैं. डायलॉग्स लंबे डायलॉग होते हैं कि सीन चल रहा है तो सीन चल रहा है, आप बैठे हैं और आप हुक्ड हैं. इतनी अच्छी राइटिंग है. लंबे सीन होते हैं लेकिन बोरिंग नहीं होते. ओके. डायलॉग्स चल रहे हैं आप देख रहे हैं और डायलॉग्स खूबसूरत डायलॉग्स आ रहे हैं. और दूसरी इनकी खास बात यह है जिसको एक फिल्म की टर्मिनोलॉजी जो होती है जिसको कहते हैं नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग. ओके. नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग क्या होती है तो सीख भाई के फिल्म या तो उल्टी चल रही होती है रिवर्स में. ठीक है. आखिरी सीन पहले आ जाता है और फिर वो अनफोल्ड होती है स्टोरी. अच्छा ओके ओके. एक ये होता है उसके अंदर टेक्निक और दूसरी टेक्निक इसके अंदर ये होती है कि जो इवेंट्स होते हैं ना वो बहुत सारे इवेंट्स मिला के एक प्लॉट बनाया जाता है. ओके. फिल्म का जो कि स्टोरी को अनफोल्ड कर रहा होता है तो इसको नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग कहते हैं. और ये अपनी हर फिल्म में वो करते हैं. और उसके बाद हमने देखा कि क्रिस्टोफर नॉलन ने भी इनके इस टेक्निक को अपनाया और काफ़ी कामयाब रहे. और मोमेंटो एक फिल्म है जिसमें आप देख सकते हैं या आप डार्क नाइट जो जोकर की फिल्म है उसमें देख सकते हैं कि डिफरेंट सीन और फ्लैशबैक्स बहुत ज़्यादा जिसमें होते हैं वो है नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग. और वो भी होती है ना फिल्म के उसमें आप फ्लैशबैक भी गए, फ्लैशबैक के अंदर भी एक ड्रीम में चले गए, ड्रीम के अंदर. Exactly. That's knowledge. यार ऐसी फिल्में फैसे दिमाग की दही होती है बहुत है ना. मैं तो रिलैक्स करने के लिए मूवी देखता हूँ, पता लगता है नहीं ये फ्लैशबैक चल रहे हैं कि वापस आ गया. Exactly. इस तरह की चीजों के लिए दिमाग बहुत लगाना पड़ता है. और मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि इसमें लड़ाई मार्केट आई है. और इनकी और भी बहुत सारी फिल्में हैं जैसे कि किल बिल वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, इनग्लोरियस बास्टर्ड, जेंगो अनचेंज. मुझे आपने बताया था कुछ 2 हफ्ते पहले आपने वो फिल्म देखी है जेंगो अनचेंज. एब्सोल्युटली. अब वो भी इसी तरह की फिल्म है. रिजर्वायर डॉग्स. अच्छा इनकी एक और खास बात यह है कि इस फिल्म की कि इस फिल्म में एक गाड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा कन्वर्टेबल गाड़ी है जो कि इस्तेमाल हुई है पूरी फिल्म में नज़र आती है. वो गाड़ी जो है वो ड्यूरिंग दैट शूटिंग वो चोरी हो गई 1994 और वो 2013 में रिकवर्ड हुई. 2013 में यानी कि कितने 20 साल तकरीबन 20 सालों के बाद वो रिकवर्ड हुई है गाड़ी. और वो क्वेंटिन टेरेंटिनो की अपनी पर्सनल गाड़ी थी.
और वो फिल्म के शूटिंग के दौरान घूमी. एग्जैक्टली. ग्रेट जी, हम बढ़ेंगे अब एक पाकिस्तानी एक्टर की तरफ जिनका नाम है the one and only नदीम साहब, जो कि पाकिस्तानी ड्रामों में भी काम करते हैं अब और फिल्मों के तो वो बादशाह रहे ही हैं और हैं, उनके बारे में बताइए. लेकिन उनका एक और खास है तो सिख भाई, जो नदीम साहब हैं उनका वैसे तो असल नाम जो है वो है नज़ीर बेग. ठीक है. अच्छा, उनका खासा ये है कि वो कभी भी एज एन एक्टर इंडस्ट्री में नहीं आए थे. 1967 में ही वॉज डिस्कवर्ड एज अ म्यूजिशियन, ही वॉज अ सिंगर. वो सलीम जाफरी के साथ और तलत हुसैन के साथ 60s में डिस्कवर किया था उनको. और वो म्यूजिक करते थे, कंपटीशन छोटे छोटे कंपटीशन होते थे और वो गाना गाने के लिए करते थे और वहाँ पे किसी ने उनको डिस्कवर किया और उन्होंने पहले गाने गाए मूवीज के लिए. फिर उनको कहा गया कि भाई इतना सोना मुंडा है, इसको स्क्रीन पे लेके आ. एग्जैक्टली. 1967 में हमने देखा उन्होंने अपने फिल्मिंग करियर का आगाज किया और चकोरी से उन्होंने आगाज किया अपनी फिल्म का. और नदीम साहब की जो चकोरी फिल्म थी वो इतनी मशहूर हुई कि उनको पहली फिल्म पे बेस्ट एक्टर का निगार अवार्ड्स मिला. और उन्होंने ये अपनी रवायत बरकरार रखी अगले 14 साल तक और उनको लगातार कंसेक्यूटिव 14 साल तक निगार अवार्ड्स मिला बेस्ट एक्टर का. बेस्ट एक्टर का 14 इयर्स तक उन्होंने कंसेक्यूटिव. एग्जैक्टली. उनके पास सर 19 निगार अवार्ड्स हैं और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी है. वो तो है ही है. और उनकी जो मूवीज हैं अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको रिकमेंड करूँ, चकोरी तो जरूर देखें आप. और मैं अपने नाजरीन को भी रिकमेंड करूंगा कि चकोरी फिल्म 1967 की उनकी जरूर देखें. उसके अलावा उनकी एक फिल्म है पहचान, बहुत फेमस थी, दहलीज देखें आप उनकी. हम दोनों देखें. आईना जरूर देखें. मेरी आईना तो बहुत अच्छी और कुर्बानी भी और लाजवाब और बहुत जबरदस्त फिल्में नदीम साहब ने दी. और उसके बाद नदीम ड्रामा में भी एक्टिंग की. ड्रामा भी एक्टिंग की. और उनकी जो रिसेंट फिल्म की मैं जो जिक्र कर रहा था उसका, उस फिल्म का मोहम्मद राना की फिल्म भी रिलीज हुई थी आजाद, उसमें उन्होंने काम किया था. ग्रेट. तो ये जनाब कुछ तस्वीरें हैं उनकी. देखें जनाब, बाबरा शरीफ के साथ और मेरा ख्याल है शबनम के साथ इनको सबसे ज्यादा पेयर किया जाता था. एग्जैक्टली. नदीम शबनम का की जोड़ी जो है वो हिट करार दी जाती थी. फिल्म लगने से पहले ही पता होता था कि हिट हो जाएगी. एग्जैक्टली. ग्रेट. अब जनाब हमने विश करना है. yes. अपने सेगमेंट के आखिर में. yes. किसको? हम पिंकी मैम साहब की पूरी टीम को विश करते हैं कि उनकी कल फिल्म रिलीज हो रही है. एंड विश यू ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम. और आप इंडी सिनेमा के लिए काम करते रहें, किसी भी सिनेमा के लिए काम करें, फिल्में बनाएं, अच्छी फिल्में बनाएं और पाकिस्तान की जो सिनेमा इंडस्ट्री है उसको रिवाइव करने में इसी तरह कंट्रीब्यूट करते रहें. हमने तकरीबन एक दो हफ्ते पहले पिंकी मैम साहब के हवाले से बात भी की थी, ट्रेलर भी दिखाया था और डिटेल में डिस्कस किया था. सो गुड लक टू द टीम. गुड लक टू यू फैसल मूवी वाला. थैंक यू सो मच. और हम चल करेंगे एक जनाब छोटा सा मशहूर ब्रेक से. जब वापस आएंगे तो हमारे साथ कल्चर एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट डॉक्टर फौजिया सईद मौजूद होंगे. और आज मैंने कुछ मुश्किल सवाल उनसे समझ लेने. सबसे मुश्किल सवाल जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिल सका, ये कल्चर होता क्या है, इस हवाले से बात होगी. रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं. एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे, जहां पे हमारी बड़ी प्यारी सी हंसती मुस्कुराती सी बड़ी अच्छी हमारी दोस्त डॉक्टर फौजिया सईद मौजूद हैं. आदाब, गुड मॉर्निंग. बहुत शुक्रिया बुलाने का, बहुत अच्छा लग रहा है. आते ही मेरी तबीयत खुश हो गई, इतने खूबसूरत कलर्स और इतना प्यारा सेट देख के. अच्छा, नींद पूरी so खुल गई है. है ना, हमारी कोशिश भी यही होती फौजिया. वैसे तो ये प्रोग्राम हमारा सुबह भी 7:15 बजे और सुपहर में 4 बजे ऑन एयर जाता है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि सुबह सुबह जरा अच्छे ब्राइट कलर्स देखे जाए, पूरा एनर्जाइज कर देता है. पॉजिटिव कलर्स और एनर्जेटिक कलर्स. आपका फेवरेट कलर कौन सा इनमें से, जरा चूज करें. पहले बताएं कोई कलर है जो हमने मिस किया उस सेट पे. मेरा नहीं ख्याल. मगर ये रंग मुझे बड़ा पसंद है. अच्छा, इसको क्या कहेंगे? ऑरेंज. ऑरेंज है मतलब ऑरेंज रस्ट. रस्ट ऑरेंज, मगर जरा ब्राइटर साइड पे. बहुत प्यारे कलर्स, बहुत अच्छे लग रहे हैं. थैंक यू सो मच. लेकिन जाहिर है आपकी अपनी पर्सनालिटी का जो एक ऑरा है, हंसता मुस्कुराता हुआ, ये मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ. और मैंने फौजिया सईद को कभी गुस्से भी नहीं देखा, हालांकि आपने बड़ी बड़ी पोजीशंस देखी, लोग फिरसा को आप हेड करती रहीं. उसके अलावा एक्टिविज्म के हवाले से देखा जाए तो बड़े बड़े मुश्किल मोमेंट्स आए, पॉलिटिशियंस के साथ काम किया, लॉज बनवाए पाकिस्तान के अंदर, खवातीन के हुकूक के हवाले से आशा मूवमेंट को लीड किया. मतलब ऐसे ऐसे संजीदा आपने काम किए, लेकिन हंसते हंसते कर दिए. ये क्या चक्कर?
मेरे ख्याल है मुझे वैसे भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है लोगों से, वैसे जब किसी पे गुस्सा करती हूँ तो वो उसी से आप पूछेंगे किस पे करती हो, लेकिन थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी इसमें। मगर यह है कि लोग जब साथ जुड़ते हैं ना तो बड़ी एनर्जी मिलती है, और मैंने ये देखा है कि अच्छा कॉज आपके दिल से आप उठाओ तो यहाँ पाकिस्तान में लोग जुड़ते हैं, वो अच्छा लगता है बहुत। और जब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि 10-12 साल की स्ट्रगल के बाद ख्वातीन के हकूक के हवाले से 2-3 लॉज बनवाना, जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट का कानून एट वर्क प्लेस, और उसके अलावा दूसरा जो था बाकी हमने फिर हेल्प आउट किया था बहुत सारे, जिस तरह एसिड अटैक्स के ऊपर था, औरतों की लीगल एड के ऊपर था, फिर जो नेशनल कमीशन है औरतों का उसकी पावर्स इन्हेंस करने का था, इन सब में फिर हमने हेल्प आउट किया। इन सब के बाद एक क्रिटिक तो नहीं कहना चाहिए लेकिन एक व्यू ये भी है फाजिया कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा फर्टाइल है व्हेन इट कम्स टू लॉ मेकिंग, हम लॉ कानून बहुत बन जाते हैं, ये इन सारे कानून बनने का कोई फायदा हुआ, इम्प्लीमेंटेशन कैसे जा रहा है? अभी तो वैसे मैं कहूंगी कि अभी कम कानून है, अभी और बन, क्योंकि अभी तो आप देखो ना हम अपने बेसिक्स कवर कर रहे हैं ना, हमें मारो ना, हमें जलाओ ना, हम पे तेजाब ना फेंको, अभी तो हम उस लेवल पे हैं। अभी तो कानून बनेंगे जो फिर हमारी आज़ादियों को प्रोटेक्ट करेंगे, यू नो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बहुत कुछ है, लेकिन बहरहाल हैविंग सेड दैट इम्प्लीमेंटेशन वहाँ वहाँ होती है जहाँ जहाँ पीछे स्ट्रॉन्ग लॉबी हो। तो हमारी हरासमेंट लॉ की तो लॉबी बड़ी स्ट्रांग है और उसको जितने साल बनाने में लगे उतने साल मेरे ख्याल अब तकरीबन 8 साल हो गए, उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं हम उसी तरह, क्योंकि कभी कोई उसके दांत निकालने की कोशिश करता है, कभी उसके नाखून निकालने की कोशिश करता है, फिर हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन वहाँ होती है जहाँ ओनरशिप हो, तो कम्युनिटी की ओनरशिप हो तो फिर वो उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छी तरह ये लॉ तो कम अज़ कम इम्प्लीमेंट हो रहा है। फजिया ये बताएं कि आपने पाकिस्तान में कल्चर, म्यूज़िक, फिल्म, इस हवाले से आपका बहुत इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन है, अब कल्चर होता क्या है? कल्चर जो है ना वो आपकी आपके आँख खोलने से, पैदा होने से लेके जो आपको सिखाया जाता है, सोशलाइज्ड आपका पूरा सेल्फ, आपका उसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट भी है, आप में उसका वर्ल्ड व्यू भी है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं, आप हवा को कैसे समझते हैं, आप बारिश को कैसे देखते हैं, आप कौन हैं, आप इस धरती के साथ कैसे जुड़े हैं, आपके रिश्ते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आपका कल्चर है। जो जो बायोलॉजिकल चीज़ है वो तो आपने इनहेरिट कर ली, लेकिन उसके बाद से तभी आप देखो कि जो बच्चा पाकिस्तान में पलता बढ़ता है वो एक नौयत का, कोई नाइजीरिया में पलता बढ़ता है उसकी खुशी के, उसके दुख के अपने एक्सप्रेशन है, तो ये हमें डिफरेंट बनाता है, फिर वो हमारी शनाख्त हो जाती है। तो हम ये लफ्ज़ एक दूसरा, ये शनाख्त भी, ये शनाख्त और ये कल्चर, ये इतनी बहस क्यों हमारे माशरे में इसकी होती है? ये चीज़ तो हमारे कल्चर का हिस्सा है जी, पतंगबाजी कल्चर का हिस्सा नहीं है जी, ये हमारा कल्चर था जी, हमारे कल्चर पे इन्वेजन हो गया जी, हमारा कल्चर अगवा हो गया जी, इस तरह की इनसिक्योरिटीज क्यों है इस माशरे में? मैं समझती हूँ एक तो जो तख्लीकी पार्ट है ना कल्चर का, जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है, उससे ज़रा लोग घबरा जाते हैं, लोग नहीं मैं कहना चाहती लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह एक है ना जो आपकी सोच चल रही है वो ज़रा घबरा जाते हैं, वो कहते हैं ज़्यादा ना ही क्रिएटिव हों तो अच्छा है, ताकि जो लगे बंदे नियम हैं आपके, रूल्स हैं, उसके साथ साथ चलें। तो एक तो ये बात है, दूसरा ये होता है कि जो एक कंजर्वेटिव एलिमेंट्स आपको मालूम है कि होते हैं, जो कहते हैं चेंज अच्छी चीज़ नहीं है, तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं, ओवर पोजेसिव हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी नहीं ये तो हमारे कल्चर में नहीं था। आप देखो कि जो भी इनोवेशन आई है ना, मैं सब कॉन्टिनेंट की ज़्यादा बात करूँगी, चाहे वो रेलगाड़ी हो चाहे वो गाड़ी हो, तो उसमें प्रॉब्लम बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं जो कहते हैं नहीं 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 ये तो बड़ी गुनाह की बात है रेलगाड़ी में, आपको मालूम नहीं कितना रेजिस्टेंस, इस तरह से ना कोई नई दवाई ऐसी आई हो, और फिर उसमें जब आपके जो जिनको आपने लोगों को ज़रा नीचे लेवल पर रखा हो, जब वहाँ इनोवेशन आती है तो फिर वो और घबरा जाते हैं कि औरतों को किस तरह से इतनी इस तरह की कई चीज़ें आई हैं जो औरतों की हेल्थ में आई हैं, जिसको स्टिग्मा लगाया गया कि भाई नहीं नहीं ये बुरी बात, जबकि बड़ी प्रैक्टिकल सी चीज़ें होती हैं। तो ये खौफ होते हैं तब्दीली से, डरना एक एक हर कल्चर में एक कंजर्वेटिव सेक्शन होता है जो डरता है तब्दीली से। अच्छा, कल्चर के बुनियादी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? म्यूज़िक भी कल्चर में आता है, लिबास आता है, ज़बान, रिश्ते। देखिए दो हिस्सों में मैं आमतौर पे इसको समझाती हूँ, ये टेंजिबल होता है और इंटेंजिबल, जिसको छू सके और जिसको आप महसूस कर सकें। ठीक है, क्योंकि आपकी सोच, आपके सोचने का तरीका, आपकी अपने बारे में राय, आपके रिश्ते, आपकी शायरी, आपकी लोरियाँ,
आपके फ्रेजेस, यू नो हम कहते हैं भाई बड़ा खिड़की तोड़ गया, अब आजकल की नस्ल को समझ नहीं आता खिड़की तोड़ गया जी मैं अगर बोलूं कि भाई इसकी तो सुई तोड़ हफ्ता है तो समझ नहीं आता मैं को इसकी तो सुई फंस गई है, अब वो सुई कहाँ फंसनी है अभी नई जनरेशन को फ्रेजेस ने तो जो मैंने अब्सॉर्ब किया वो मेरे एक्सप्रेशन का तरीका है ना, क्योंकि वो मेरे कल्चर से जुड़ा हुआ है, मगर ये ओवर द टाइम वो चेंज होता है। ठीक है, अब जो है अब कल्चर ये हो गया, वो कहते हैं बाप कहता बेटी से घर, वहाँ पहुँच जाओगी ना मुझे एक मिस्ड कॉल दे देना, ये एक बाप का तरीका है ना कि तुम पहुँच गई, तो ये हमारे फ्रेजेज हमारी जबान। तो इसका मतलब इसमें जब तब्दीली आ रही है इसके ऊपर भी इनसे घबराने की बात नहीं है। और मगर ये एक चीज़ मैं तौसीक ज़रूर कहूँगी, उसमें आप मुझे भी थोड़ा सा उन्होंने नासिर में शामिल कर ले जो कभी कभी घबरा जाते हैं चेंज से, वो ये कि तब्दीली जो है ना उसका एक ऑर्गेनिक प्रोसेस होना चाहिए। जब वो तब्दीली इंड्यूस की जाती है कोई नीचे वाले तबकात को नीचे रखने के लिए, या कोई ऐसा दूसरे ममालिक से इतना इम्प्रेस हो जाने में कि अब हमें भी कोई बड़ा समझे तो हम वो चीज़ें करें कल्चरली अडा, वो थोड़ा सा इतनी ऑर्गेनिक नहीं होती। जो इवॉल्व होता है चेंज वो खूबसूरत होता है, और जो उधारे पर लिया जाता है चेंज वो ज़रा सा तो आपकी शर्ट मैं पहन लूँ मैं कहूँ कि जी मैं ही बड़ी ज़बरदस्त होस्ट बन गई हूँ तो वो कुछ इतना अप्रोप्रिएट नहीं है नहीं शर्ट नहीं लेकिन मेरे ख्याल ये जराबे पहन के अच्छा होस्ट बना जा सकता है लाल रंग के फाजिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फाजिया सईद, और हमेशा इनसे बड़े बड़े मुश्किल बातें हंसते मुस्कुराते हमने सीखी, और ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। एक छोटा सा मशहूरियाँ ब्रेक लेंगे, कमर्शियल ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जबान और जबानों की अहमियत, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, तो क्या मुख्तलिफ कल्चर्स और ज़बानें बोलने वाले एक छत के नीचे इकट्ठे रह सकते हैं, वो प्लूरलिस्टिक अप्रोच क्या हो सकती है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, क्योंकि जर्मन है तो सारे जर्मन बोल रहे हैं, यू नो फ्रेंच है तो जापानी बोल रहे हैं, वहाँ पर ये मसाइल नहीं है, यहाँ पर तो हम कम 8-10 बड़ी ज़बानें बोलते हैं। तो इस हवाले से फौजिया से हम कुछ टिप्स लेंगे, रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। खुशामदीद एक बार फिर ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे, डॉक्टर फौजिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि कल्चर के अंदर मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स हैं, खाने भी आ जाते हैं, त्यौहार आ जाते हैं, सॉरी क्या रिश्ते भी हैं, रिश्ते भी हैं, रिश्तों को सेलिब्रेट करने के अंदाज फर्क है। आपने बड़ी अच्छी बात की, खुशियाँ और दुख भी मनाने का एक्सप्रेस करने का अंदाज भी फर्क है, वो नाइजीरिया और पाकिस्तान वाली मिसाल। ऐसे में ज़बानें भी एक बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। पहले भी बताइए कि क्या ये पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं? मैं तो समझती हूँ, क्योंकि ये मैं तो ये जितने भी है ना फेडरेशंस जिसमें बहुत सारी इकाइयाँ हैं और उनको जोड़ के मुल्क बना, वहाँ पर ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस बात की अहमियत को जानें कि हर एक की मादरी ज़ुबान उसके लिए बहुत अहम है, और वो पूरे मुल्क के लिए भी अहम होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से तकरीबन 50 से ऊपर हैं ममालिक जो कि फेडरेशंस हैं, उनमें बहुत सी कल्चरल इकाइयां हैं, आप कह लो सकाफती इकाइयां हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया है, बहुत सारे और ममालिक हैं जहाँ पर फिर वो अपनी, हमारे यहाँ 70 के करीब ज़बानें हैं जो इस्टेब्लिश ज़बानें, लेकिन 8-10 आप कह लो, 8-10 से ज़्यादा खैर 15-16 है जो जिसमें आपको बेतहाशा लिटरेचर मिलेगा जिसकी पूरी एक हिस्ट्री है, लेकिन वैसे लेकिन अगर ज़बानें पाकिस्तान की ज़बानें गिनने लगे तो 70 के करीब, 70 के करीब, हाँ जी। तो उसमें आप देखो ना, कोई एक सूबे में भी हम कह देते हैं जी बलूचिस्तान में बलोची बोली जाती है, सिंध में सिंधी बोली जाती है, लेकिन उस सूबे के अंदर भी अपनी प्लूरलिटी है। बिल्कुल, तो ये खूबसूरत तो भी है, बरादी भी है, इवन बलूचिस्तान में सिंधी भी बोली जाती है, सराइकी का एलिमेंट भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें तकवीत देती हैं एक तरह। अब एक ज़माना था तौसीक जब माँ बाप जो थे वो बड़ी कोशिश कर रहे थे कि एक धारे में लाएं सबको, तो बच्चों को कहते थे घर में कि भाई अपनी ज़बान ना बोलो, उर्दू बोलो, अंग्रेज़ी बोलो, नौकरी उससे मिलती है, आगे तरक्की उससे करते हो। तो वो जो दौर एक थोड़ा सा इनसिक्योर दौर था जब एक कंपटीशन था कि हर इलाके के लोग कह रहे थे हम आगे निकल जाएं, तो उसमें थोड़ा डिस्करेज किया गया बच्चों को बोलने से। लेकिन मैं माँ बाप को हमेशा कहती हूँ कि अब वो दौर गुजर चुका है, अब हम सारे काफ़ी सिक्योर हो गए हैं कि भाई जो भी स्कूल्स भी फैल गए हैं, तालीम भी फैल गई है, अब वो सीख लेंगे उर्दू और इंग्लिश सीख लेंगे वो।
लेकिन अपनी जो ज़बानें हैं उनको आप तवज्जो दें, क्योंकि आप कौन हैं और आप दुनिया को कैसे देखते हैं वो आप वहीं से सीखते हैं, वो वही ट्रांसफर होता है, वरना सब चीज गड़बड़ हो जाती है घर में कुछ है। क्या आप नहीं समझती फौजिया कि हाँ शायद फिर वही बात आती है कि वो दौर था और वो गुजर गया। मिसाल के तौर पे पंजाबी ज़बान के, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक पंजाबी घराने से है, तो एक मैं ये फील करता हूँ कि पंजाबी घरानों में ये एक कॉम्प्लेक्स कह लें या एक तासुर दिया कि पंजाबी नहीं उर्दू अच्छी बोलनी जरूरी है, और शायद यही वजह है कि हम भी उर्दू बोलने लग गए और सीख गए कुछ दो चार अल्फाज। लेकिन ये कि जो पंजाबी बहुत ज्यादा पंजाबी एक्सेंट में बोल रहा है उसको हमने कहा ये तो पेंडू प्रोडक्शन है, ये पेंडू है, इसकी उर्दू साफ नहीं है, ये पेंडू है। तो शायद ये भी एक फीलिंग थी जिसको लेके एक नस्ल ने परवान, एक नस्ल परवान चढ़ी। या पश्तो एक्सेंट, अगर आपका बहुत प्रेडोमिनेंट पश्तो एक्सेंट है तो उस पर लोग हंसेंगे, पढ़ा लिखा नहीं, ये पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत सिंधी एक्सेंट में उर्दू बोल रहा था, हाँ ये तो जरा बैकवर्ड इलाके से। ये हायरार्की बन जाती है फिर, क्योंकि अगर आपने तरक्की करनी है तो आप वो लोगों की ज़बान बोलेंगे जिनको आप ऊंचा समझते हैं, तो हायरार्की बन जाती है, अपनी ज़बान बहुत नीचे आ जाती है। और पंजाबी घरानों में ये ज़्यादा शायद इसलिए भी हुआ क्योंकि पंजाब का जो नंबर था, पंजाबियों का नंबर ज़्यादा था, डोमिनेंट था, तो उनको ये फिक्र नहीं थी कि हम कहीं गुम ना जाएं बाकी की रश में, ठीक है, उनको ये फिक्र ज़्यादा थी कि हम कहीं पावर बेस से पीछे ना रह जाएं। अच्छा, जो माइनॉरिटी होती है वो फिर भी अपनी ज़बानों का ख्याल कर लेती है, लेकिन जो मेजोरिटी होती है उसको ये फिकर नहीं होती कि पंजाबी कल्चर गुम हो जाएगा। Very important point. वो कहती है कि हम दौड़ में पीछे ना रह जाएं। तो आप देखो कि सिंध में सिंधी भी रह गई थोड़ी, पश्तो भी रह गई, केपी में अभी देखें कि वो आम बात करेंगे तो अपनी जबान में बात बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन पंजाब में बहुत कम ऐसा है। मगर इन जनरल मैं ये कहूंगी कि अगर आप साफ उर्दू नहीं बोल रहे तो वो अज्यूम करेंगे कि जी अच्छा ये बंदा आपका ड्राइवर होगा, या आपने शलवार कमीज पहनी है तो वो आपको दूसरे कमरे में बिठा देंगे, ये बाबू साहब नहीं है, ये इनके साथ कोई इनका। क्या ये पोस्ट कॉलोनियल माइंडसेट अब खत्म हो गया है? नहीं जी, अभी तो बड़ा काम करना है, इसीलिए तो बहुत सारा अभी जोश चाहिए। ये जो हायरार्की है इसको लोग समझ नहीं रहे हैं। ये जो मैं तब्दीली की बात कहती हूँ ना, तब्दीली अगर इस तरह से आए तो वो इतनी हेल्दी नहीं होती सोसाइटी के लिए। तब्दीली अगर अपने आप की निगेशन करके आपने सीढ़ी चढ़ना है वो इतनी हेल्दी नहीं होती माशरे के लिए, फिर उसमें इनसिक्योरिटी जन्म लेती है। अगर आप प्राइड से आगे चलो तब्दीली, आप बेशक हमारा लिबास बदल जाए, देखिए शलवार कमीज है वो भी ट्रांसफॉर्म होता रहता है, ठीक है ना, मॉडर्न शलवार कमीज भी है और पुराने जमाने का शलवार कमीज भी है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना उसमें ताकत मेंटेन्ड रहती है। जब आप एक चीज को खिड़की से उठा के बाहर फेंकते हो और कोई और चीज अपनाते हो इस शौक में कि आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, तो वो इतना हेल्थी नहीं, वो इतना रूटेड नहीं होता, आपकी जड़ें वो ज़रा कमज़ोर कर देता है। तो मेरी ये ख्वाहिश रहती है कि तब्दीली आए यंग जनरेशन में भी, लेकिन नोइंग दैट कल्चर, ठीक है, उससे आप वो जो जड़ें हैं ना ज़मीन के अंदर उससे ताकत लेना नहीं छोड़नी हमें, और अपनी ज़बान सीखनी बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़बान सीखनी बहुत माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा, मैं ये कहूँगी कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी है कि वो पहले 5-6 साल में अच्छी तरह बच्चे को अपनी ज़बान सिखा दें, बच्चा सीख जाएगा बाकी ज़बान। उर्दू अंग्रेजी आती रहेगी, आ जाएगी, यकीन करें आ जाएगी। इसी से जुड़ा एक और चीज़ कि अब एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। हाँ। फाजिया सोशल मीडिया पे आप खुद भी बहुत एक्टिव हैं, आपने भी वक्त के साथ अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। सोशल मीडिया की दुनिया में आने वाले 50 साल के बाद ग्लोबलाइजेशन एक मजीद ही एक विलेज बन, ग्लोबल विलेज बन चुकी होगी दुनिया, तो ऐसे में ये आइडेंटिटीज बरकरार रहेंगी क्या? देखिए मैं पाकिस्तान से हट के बात कर रहा हूं, मैं लिंग्विस्टिक के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं जनरल आइडेंटिटी शनाख्त, कि ये जर्मन शनाख्त है, ये शख्स जो है ये नाइजीरियन शनाख्त, ये अफ्रीकन शनाख्त लेके आया, क्या ये शनाख्तें बरकरार रहेंगी? मैं कह नहीं सकती, लेकिन जो भी तब्दीली का अमल, देखो तौसीक, मैंने आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी, हम वहाँ तक सोच सकते हैं, लेकिन हमारी अगली जनरेशन कहाँ जाएगी हम सोच नहीं सकते हैं। इस वजह से कि टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर रही है, मास ट्रांजिट अब शुरू होने लगा है कि मेरे ख्याल है वो जहाज़ों की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। हाँ। वो स्टार ट्रैक के ज़माने से मैं तो इंतज़ार में हूँ कि यहाँ गायब हुए और उधर आप पहुँच गए किसी और। जितना आप ट्रैवल करती हैं आपको तो इस मशीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इंतज़ार में हूँ। तो इतनी चीज़ें चेंज हो जाएंगी कि हम इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या होगा। जो हम दे सकते हैं अपने बच्चों को ना, वो है प्रोसेस की समझ दे सकते हैं। अच्छा। हम एग्जैक्टली आउटकम नहीं दे सकते अपने बच्चों को, जैसे हम कहते हैं ना वैल्यूज़ का कि भाई हार्डवर्किंग होना चाहिए, एथिक्स होनी चाहिए, अब उनकी ज़िंदगी में वो कैसे कल्मिनेट करेगा वो हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। लेकिन वो वैल्यूज़ इनकल वो वैल्यूज़ और वो प्रोसेस जो है ना वो ज़रूरी होता है ट्रांसफ़र करना। कल्चर भी जो है ना
वो आपको रिश्ते हैं, ये ऐसी इनविजिबल चीज़ें हैं जो जिनको आप छू नहीं पाते, वो ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि मैं ऊँट पे या घोड़े पे बैठ के जाऊँगी, ऐसा नहीं है कि मैं उससे चिपकी रहूँ और मैं कहूँ नहीं जी गाड़ी तो मेरे कल्चर का हिस्सा नहीं है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो रिस्पेक्ट है, जो प्यार है, जो एक्सप्रेशन है, जो अपने जज्बात का इजहार, वो सारी चीज़ें हम उनको दे सकते हैं। ग्रेट, फाजिया के साथ गपशप का प्लस भी है और माइनस भी है। माइनस ये है कि गपशप खत्म करने का दिल नहीं करता और बीच में ब्रेक आ जाती है, वो सारा तसलसल टूट जाता है। लेकिन अभी हम इस नशिस्त को इसी तरह जारी रखेंगे, छोटा सा ब्रेक है, छोटा सा मुन्ना सा, उसके बाद मिलते हैं। नशिस्त का आखिरी हिस्सा, डॉक्टर फाजिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे गायब हैं वैसे आजकल आप काफी अच्छे से, क्या हो रहा है? मुझे गायब होना पड़ता है थोड़ा, जब मुझे लिखाई की तरफ वापस जुनून आता है। तो मैं एक तो मैं कुछ अपनी लिखाई कर रही थी और दूसरा एक मैंने नहीं, मिशन... लिखाई की हम कब करेंगे पढ़ाई? थोड़ा अब पब्लिशिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, गुड। लेकिन एक और दूसरा काम जो मैं कर रही हूँ वो ये है कि जो पाकिस्तान के कल्चर के लोग हैं उनको मैं हर वक्त इकट्ठा करती रहती हूँ। और एक ओताक नेटवर्क है जिसके थ्रू हम लोग बहुत आपस में मिलते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो कल्चर वाले लोग हैं ना, जो जो इस चीज़ की अहमियत को समझते हैं, वो आपस में जुड़ते जाएं। और एक मैं अभी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ जो इंटरैक्टिव रिसोर्स सेंटर के प्लेटफॉर्म से हो रही है, उसमें सारे पाकिस्तान के जितने कराची में सारे कल्चर वाले जमा होंगे और हम फोक स्टोरी टेलिंग के ऊपर बात करेंगे, आपस में दोस्तियां करेंगे, आपस में ब्लेंड करेंगे ताकि कल्चर का इतवार बाजार लगेगा। ये तो मैं नहीं कहूंगी। नहीं नहीं, इतवार बाजार तो अच्छी चीज है। अच्छी चीज तो है, मगर हमको बेचने वाले नहीं। अच्छा, बेचने वाले नहीं, नहीं कल्चर जोड़ने वाले लोग। कल्चर हाँ, उस तरह से नहीं, कल्चर बिकाऊ माल नहीं। नहीं वो दिल की बात है। अच्छा, ग्रेट। आज वक्त कम है, लंबी बात नहीं हो सकी, लेकिन आपको फिर इंशाल्लाह मधु करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, बहुत अच्छा। गुड लक फॉर द कॉन्फ्रेंस, और उस कॉन्फ्रेंस के बाद भी आपने हमें बताना है कि हम यू आर मोर देन वेलकम, आप और पाकिस्तान के जो कल्चर ये है उनके लिए हमारे स्टूडियो के हमारे सेट्स के दरवाजे हमेशा खुले हैं आपकी तरह। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फाजिया, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने डॉक्टर फाजिया सईद के साथ ये नशिस्त एक्सपीरियंस की। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जिंदगी ने दी इजाजत, तो फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।